जाट को जाट लिखने के लिए जरूरत नहीं है, जाट को एक अपना खुद का ब्रांड है। जब छाती में गोली लग गई सीधी जाट के इलाका है और कोई बढ़िया पंजाबी नहीं खा सकता। आपकी पहचान आपको बताने की जरूरत नहीं है। हजार आदमियों में अगर एक जाट खड़ा था अलग पहचान जाता कि जाट है। दिल्ली के और पास जितना भी जाट है, जिस दिन एक हो जाएगा सत्ता पर कब्जा कर लेगा। जहाँ पर जाट समाज की वोटर ज्यादा है, समाज ज्यादा है, वहाँ पर भी यही स्थिति है कि अदर कास्ट का आदमी वहाँ पर सरपंच, प्रधान और MLA बनता है। और रही बात बिरादरी की, तो मेरे से बड़े बहुत वक्ता हैं, मैं तो बच्चा हूँ इनका। सभी ने अपनी अपनी बात रखी, मैं सभी से छोटा बच्चा हूँ। आपका दो ही बात कहूँगा कि आपके नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हो। बरेली में एक जाट रेजिमेंट के नाम से आपकी बहुत बड़ी पहचान है, और आपकी पहचान आपको बताने की जरूरत नहीं है। हजार आदमियों में अगर एक जाट खड़ा था अलग पहचान जाता कि जाट है। और इस देश की कोई भी सरकार रही हो, जाटों का सहारा जरूर लिया है। और अभी अभी आपके सामने इस सरकार पे कई कानून बनाए झिले नहीं, और अगर 370 को हटाने का काम करा तो वो भी जाट सतपाल सिंह ने काम करा। अगर सतपाल सिंह वहां ना होते तो इस सरकार की औकात नहीं थी कि 370 को हटा देती। इसी सरकार ने 3 काले कानून बनाए, वो भी सरकार तुम्हारे सामने झुकना पड़ा उस सरकार को, और वापस लेने पड़े। जबकि मोदी जी कहते थे कि मुट्ठी भर किसान हैं, ये मुट्ठी भर जाट बैठे हैं। ये आंदोलन निखालिस सरकार ने जाटों के नाम पर थोप दिया था, और आज उसी तुम्हारी हिम्मत तो उसी ताकत ने इस सरकार को हिला दिया और इन्हें दिखा दिया कि मुट्ठी भर जाट। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर ये दिल्ली के और पास जितना भी जाट है, जिस दिन एक हो जाएगा सत्ता पर कब्जा कर लेगा। और इस देश की हर जरूरत में जाट ही काम आया है, चाहे वो देश के अंदर का मामला हो, चाहे देश के बाहर का मामला हो, चाहे बॉर्डर का मामला हो। सबसे ज्यादा शहीद तुम्हारे ही बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा बॉर्डर पे शहीद तुम्हारे ही बच्चे होते हैं। और जब वो कफन में लिपट के वहां से आता है तो हमारी छाती फटती है। और ये चंद लोग, मुट्ठी भर लोग आके और हमें वो दिखा करके वो फलाने विधाकाए ढमकाए और चले जाते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगा अपनी बिरादरी से ज़्यादा संख्या में आगे बढ़ के, जैसे सरदारों में एक बहुत बड़ी वो है कि एक दूसरे को बहुत सहयोग करता है, ऐसे ही जाट एक दूसरे को, यहाँ तो सब कह के जाएंगे कि आ जाना, कह जाना, कुछ मत करो। अपनी जो हमारा गरीब जाट है उसकी लड़की की शादी कराओ, उसे ऐसे काम कराओ, जो सक्षम जाट है उन्हें एक दूसरे को गले से लगा के रखो। और आगे बढ़ने के दो ही रास्ते हैं, अपनी बिरादरी के अपने बच्चों को नशे से मुफ्त कराओ, और अपनी बहन बेटियों की शादी कराओ, अपने खर्चे पे कराओ। जैसे सरदार, एक सरदार गांव में गरीब होगा, पूरा गांव इकट्ठा होकर उसकी की लड़की की शादी कर देगा, उसे कोई काम करा देगा, लेकिन कोई सरदार भीख मांगता नहीं मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से बिरादरी के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी, मैं सभी से कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी समझें। और इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, इतिहास तो सबको पता है कि जाटों का इतिहास क्या रहा है इस देश में, और जाटों की क्या क्या इस देश के लिए करा है। लेकिन किसी ने लिखा तो ठीक, ना लिखा तो ठीक, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल मत लिखे। हमें तो पता है हमने क्या कर रखा है, बिल्कुल मत लिखा तू। बरेली में जब सुबह परेड शुरू होती है तो वहाँ नारा लगता है सुबह ही, जय भगवान जाट बलवान, तो सभी बोलेंगे जय भगवान जाट बलवान, जय भगवान जाट बलवान, राम राम जी। मैं इनका बड़ा बड़ा एहसान करता हूँ, इनका कर्जबंद भाइयों का, पर मेरी बात सुनने का दो मौका दिया आपने, आपका भी एहसान है जी। मैं तो ये कहता हूँ भाई, सभी भाइयों से, ये जो भाई ने कहनी जाट जाट जाट, पहली बात तो अपने आप को जाट तो परमात्मा से ये करो, तुम जाट को मैं पैदा हो रहे हो, अपने आप को गुरु समझो, अपने आप को एक नो समझो, इतनी बढ़िया उसमें को मैं पैदा हुए। और किसी भाई ने जो ये जाट लिखवाओ नहीं गाड़ी आप, अगर मैं जाट हूँ, ये जाट लिखना एक अपराध है,
जाट को जाट लिखने के लिए जरूरत नहीं है, जाट तो एक अपना खुद का ब्रांड है, जाट तो एक खुद का ब्रांड है, ये जाट को किसी के लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर मैं जाट पर किसी को कहने की जरूरत नहीं, जाट तो अपने आप पहचाना जाता है, जब वो इतिहास रचेगा ना कुछ काम करेगा, जब छाती में गोली लागन सीधी उड़े जाट के लागा है, और कोई बढ़िया पंजाबी नहीं खा सकता, कोई उसी आदमी नहीं खा सकता गोली, तो ये कहने की बात है, मतलब ये जाट ने जाट लिखवाने की जरूरत नहीं होती। जंगल में शेर हो है नी, एक लाई शेर हो है, बाकी सारे जानवर हो है, वो गादड़ हो, बिल्ली बकरी जो कुछ कुछ भी हो है, शेर भूखा मर जाए कभी दाव नहीं चलेगा, जाट का तो इतिहास ऐसा है, जाट ने जाट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जाट लिखवा में तो ये अच्छी बात नहीं समझता। तो नंबर दो है अपना भाईचारा बनाओ, भाईचारा एक छोटा उदाहरण दूँ मैं अपने सभी भाइयों ने, भाईचारा कैसे बनाओ है, राजा जोधनाथ का एक लड़का होया शाही लकड़हारा, और शाही लकड़हारा बहुत ही गरीब, मतलब उसके पल्ला कुछ नहीं था, कोई भाईचारा ना कुछ भी नहीं था, जंगल में लकड़ी बेच कर गुजारा करता, पर उसका एक राजा राय सिंह की बेटी बिन्ना, और बिन्ना जबरदस्ती ब्याही गई थी, राजा बिन्ना उसने राय सिंह ने ब्याही दी थी, वो अनु कहती है राजा शिकार खेल का आया था, शिकार खेल का उसने अपने उस पर गेट पर लिख दिया राज दरबार पर, एक सारी प्रजा मेरे कर्म का खावा है, तो बिन्ना ने देखा, बिन्ना बोली नहीं ये पर सब अपनी अपनी प्रजा अपने अपने कर्म का, हरेक आदमी अपने कर्म का खावने लिख दिया, भाई ये पिताजी ये गलत लिख रखा, बोला अच्छा उसने बुलाई दरबार में, बोला तूनू का मेरे अधिकार को तुम वो कर है, अक मेरे इसको आदेश को तू अपना वो मान रही है, अगर अपने कर्म का खाव है मैं देखूँ तेरा कैसा है, मतलब तेरे में कर्म है, कैसा तेरे में पावर है, कैसी तेरे में हिम्मत है, तू अपने कर्म का खाओ, वो छठ उस कंगाल के भी आई थी जी, जो उसका मतलब कुछ भी नहीं था, तो उसने वो साबित करके दिखाया था, अरे या प्रेरणा दिखाऊं भाईचारा कैसे, उस बात पे लिया मैं बात ने घुमाएगा जी, तो अभी ना जब उसका ब्याह थी और तो वो कंगाल था, वो कंगनू का था, भाई तू राजा अगर की बेटी है तो अपने घर राजा वापिस जा, मतलब तू मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकती, रह नहीं सकती, मतलब तेरे को सब आश्रम चाहिएगी, उसने एक के बात कही थी। मैं आपको एक उदाहरण समझाऊँ, जंगलों में सांप होया करते, सांप जाती है और उसमें शेषनाग है, शेषनाग जब बुढ़ा हो जाएगा नहीं, जब कभी अपने प्राण त्यागने की इच्छा हो जाए उसके मन में, चंदन का पेड़ हो है जंगल में, और चंदन का पेड़ के लिपट के अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दे हो सरप, और तू अब बिन्ना नु का है, तू मेरे तो हनी दिखा देखा जाइए, मेरी आख्या गया तू मेरे लिपटा लिपटा रही है, तेरी आवाज तो मैं अपने आप बढ़ा दूंगी, तेरा नाम तो मैं अपने आप चमका दूंगी, तू मतलब एक ये बात है, मतलब प्रेरणा अपने तुम भाई कट्ठे कट्ठे रह जाओ, तुम अपना भाईचारा बना रहो, थारी तो ताकत अपने आप बन जाएगी, थारा ब्रांड तो अपने आप बन जाएगा, नाम तो थारा अपने आप हो जाएगा, तुम तो एक रसूख बनाकर रखो, एक अपना भाईचारा बनाकर रखो, भाईचारे में के सबसे पहले जरूरत के एक अपनी शिक्षा की जरूरत है, सबसे पहले एक रसूख की जरूरत है, एक बोलचाल की जरूरत है, आपस में है नहीं पार्टीबाजी बन जाए गम्मा में जी, यू कांग्रेस पार्टी का है, यू बीजेपी पार्टी का है, यू लोकदल का है, यू जे पार्टी का, ये पार्टी पुर्टी तो सबका अपना किसी का भाई नुंदे निधार पर विरोड़ा हो जाए, भाई तू उसका जाओगा तो मैं उसका नहीं बढ़ता, तू उसका जाओगा तो मैं नहीं बढ़ता, ये छोटी बात ना छोड़ गया, और अपने आप भाईचारे पा जो भाई पार्टी ये तो सबकी मन आस्था किसी की आस्था किसी में किसी इसकी आस्था किसी में, इनका भेदभाव ना रखो, अपना ब्रांड बनाओ, अपना नाम चमकाओ, अपनी मेहनत करो, अपना काम करो, जिस भी बात हम ये भाई ये भी तो लग रहे अपना सब कुछ त्याग करके, इन्हें भी तो पार्टी चाहिए, इन्हें भी घरबार चाहिए, इन्हें भी अपने बढ़िया नौकरी चाहिए, ये देश की सेवा करने लाए रहे सब कुछ, पढ़े लिखे PhD हैं भाई दोनों भाई, इनके भी परमात्मा ने मोज दे रखी है, ये देश खातिर अपना नाम चमकाना चाहो है, बलिदान देना चाहो है, एक धन्यवागत हो अपने जाटा में, उस धन्यवागत से प्रेरणा लियो, शिक्षा लियो जी, चौधरी देवीलाल हो जी इतने ऊंचे पद पर पहुंचे, उन्होंने फिर भी प्रधानमंत्री की ठोकर को छोड़कर मतलब ठुकरा कर अपना नाम त्याग की भावना करी है, मतलब कितने राजे महाराजे हुए हैं, सूरजमल लाए लो, शहीद भगत सिंह लाए लो, मतलब मैं तो ज्यादा के बोलूँ भाई सब बुद्धिजी हुए पढ़े लिखे, वो तो एक देशी किसान अनपढ़ आदमी हूँ जो इतनी बात बोल गया, मतलब इतना टाइम लेगा आपका, तो मैं भाई अपना बढ़ चढ़ कर इनका जो भी आज ये दिशा निर्देश देकर जाऊँगे, जो इस अंतर्राष्ट्रीय सभा गया जो अपना जाट सभा है इसमें भाई भाग लो, अपना गाँव में जाओ प्रचार करो, नहीं तो या जाट जाति है खत्म होने लग रही है, या बड़े बड़े नौका है या दूसरे जो सेठ जी है हमारे बड़े उद्योगपति, जाट न जाट की जरूरत नहीं, जाट न जाट का तो अपने आप कट कर मर जाएगा, ये इसने कोई मिटाने वाला नहीं है, कोई बिरादरी या कोई दूसरी बिरादरी इसका हाथ लाने वाला नहीं है, ये तो अपनी ताकत में अपनी गर्मी में आप ही मरेंगे या आप ही कटेंगे, मारते भी बहादुरी कौम थे गुआ राजपूत आपस में कटके मर गए, तो आपस में भाईचारा बनाओ और आपस में रसूख बनाओ और आपस में अपना आना जाना बोलना चलना रहना सहना सीखो, यह थारी ताकत है, और अपना आँख मांगे तो नहीं मिलता लेने तो नहीं मिलता, आँख तो मेहनत करी जा भाई खुश से जा है, अपना आँख तो लड़ाई तो लड़ा जा है, तुमने तो बलिदान वो इतिहास रच दिया, शेर शाह सूरी जाट रक्षण में रोड है GT रोड नंबर 1 है,
आज तक किसी इतिहास में किसी पर रोके नहीं था, किसी ये तमन आंदोलन में रोक के दिखा दिया और उससे आगे है नहीं सब रोकने लग गए रोड़िया। देखम देखा ये किसान आंदोलन था, मारे तक कितने अपशब्द कहे न सरकार ने, किसी ने भी ला ले ये तो भाई पाकिस्तानी है, आंदोलनकारी है, परजीवी है, पता नहीं के कहा। अरे देश का अन्नदाता यू, पेट सबका यू पाल, देश की रक्षा यू करे है, और फिर यू सब कुछ मतलब उठ है, और मालिक छह महीना में जो अगर मालिक फसल आवे है उसके बाद सियाणा भी यू हुआ है, इतना पढ़े लिखा भी कौन यू है, अब भाई मैं क्यों बोल जाता तो भाई ये फसल लू हो जाती, मजीरे लाता नहीं हो जाता, सब कुछ भी उठा ही हुए है मतलब कदे भी किसी बात पर। तो फिर मैं तो ज़्यादा तो के बोलूँ भाई, भाई प्रोग्राम लेट हो रहा काफ़ी, मतलब सारे भाई बोर हो रहे हैं, और तो हाथ जोड़ के प्रार्थना सीखो, अपना भाईचारा बनाओ, और जो भी दिशा निर्देश दे के जावे उनकी पालना करो, इनका मान सम्मान बढ़ाओ, इनका साथ दो, या ये सब भाइयों से राम राम। पर मेरे को ये बताओ कितने ऐसे हैं कि जो समाज में जो बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, हमारे बच्चों के हालात ये होते हैं, मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ, UPSC की तैयारी कर रही हूँ, जाट के बच्चों को वहाँ पे कोई रूम नहीं देता, ये अपनी औकात है वहाँ पे, आप लोग सब मिलके ऐसा कुछ करो कि वहाँ पे मुखर्जी नगर में भी आपका कुछ ऐसा डंका बजे कि आपके नाम से जो भी वहाँ पे बच्चा जाए कि हाँ ये बच्चा यहाँ आए, इसका रहना खाना पीना हम करेंगे, और दिल ठोक के वहाँ पे वह बात उठाओ। जब जाट आरक्षण स्टार्ट हुआ था तब मैं एक ही लड़की थी वहाँ पे, कम से कम मेरे 30-35 हज़ार भाई थे वहाँ पे, तो क्या हुआ सब ने क्या किया, जो वहाँ जाटों के बच्चे रहे थे सबको बोले कि इनसे खाली करवा लो, खाली करवा लो, आतंकवादी हैं ये तो लड़ाई करते हैं। हमने क्या किया, ज़्यादा हमारी यूनिटी होते हैं, हमने वहाँ से जम स्टार्ट कर दिया जो कर्नाड की साइड रोड जाता है इस मिट्टी से। तो फिर क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया मेरे को कि भाई हाँ या तो इनके सबके उस्ताद सब ताक गए हैं, तो उन्होंने टारगेट किया मेरे ऊपर कि इसको इनाय से निकालो। मैं बोले कि खाली करो माँ जी, नहीं करेंगे, बोले करो ना जी माँ नहीं करेंगे, उन्होंने इतना प्रताड़ित कर दिया मेरे को, जाओ जाओ। लेकिन फिर भी क्या है, मैं अकेली वहाँ पे एक जाट थी, और आज वही लोग हैं उनकी कम्युनिटी पंजाबी कम से कम 40,000 हो, उनको एक को भी नहीं जीतने देती मैं। अभी एक और एक लेटेस्ट बात बताती हूँ, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे पंडित जी रहते थे 20-22 साल से, तो क्या किया उन्होंने, अब उस पर चिप्पस वगैरह लगा दी, तो पंजाबी सोचे भाई खूब हवा में उसको निकाल दिया, सबके घर पे रोते रोते गया कि भाई बचाओ मेरे, का मैं कहाँ जाऊँगा बुजुर्ग हूँ। तो मैं बोली अंकल जी पहले तो ये पंजाबी मोहल्ला है, यहाँ पे जाओ आप इनसे मदद मांगो, ये नहीं करते तो फिर मैं हुई। वो सारे के सारे लोग 4-5 हज़ार लोग उसके पीछे लग रहे, मैं बोली पंडित जी आपकी साइड कोई है, बोला नहीं, मैं पंडित जी आपकी साइड एक जाट है मैं, और आपको कोई यहाँ से हिला नहीं सकता, आज एकली लड़की थी उसको वहीं पे बैठा रखा है। तो इंसानियत ये होती है कि शिक्षा करने से कुछ नहीं होता, बच्चों को आगे ले आओ, उनका सपोर्ट करो, जो बच्चा नहीं पढ़ता डफर है तो हमारा ना, उसको बिजनेस में डालो, उसके कोई दुकान खुलवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन उसको ऐसा तो बना दो कि वो कल को कमा के खा ले अपना। इतना तो होना चाहिए ना कि कोई भाई बेरोजगार ना रहे, सबके गोद में पैसा है तो अपने जाट समाज के लिए अपने आप ही आगे चला जाए, जरूरत ही नहीं है किसी की। तो इसलिए मेरी सबसे जाट ये अनुमोदन है कि भाई सब आओ एक साथ और शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। जाट समाज को लेकर और जाट समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे एक किया जाए, इसके ऊपर आप सभी ने विचार रखे, और उन्हीं विचारों को एकत्रित करने के लिए कलवानिया जी और पलसानिया जी ने ये जो राष्ट्रीय सेमिनार जयपुर में आयोजित करने का प्रोग्राम मार्च में करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने दूसरा सेमिनार अंतर्राष्ट्रीय जाट समाज का जयपुर में आप जो रख रहे हैं, उसके लिए मैं जयपुर की ओर से, जयपुर जिला की तरफ से, राजस्थान की तरफ से ही, क्योंकि मैं राजस्थान से और पूरे सरपंच संघ का अध्यक्ष भी हूँ, और इसी आशा के साथ आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि जयपुर में जो भी सम्मेलन होगा वो ऐतिहासिक होगा, और आप लोगों का सहयोग रहेगा उसके अंदर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जाट समाज के जो जाट बंधु वहाँ पर पधारेंगे उनका मान सम्मान किया जाएगा, और कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि अगर वहाँ पर सम्मेलन हो रहा है तो हमारी जयपुर और राजस्थान के जाट बंधुओं की जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ हमारे प्रवक्ता जयराम पलसानिया जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं,
और उन्होंने ही मुझे कलवानिया जी और पलसानिया जी से फर्स्ट बार मिलाया था। इन दोनों का जो जज्बा और जो आगे बढ़ने का, समाज के लिए काम करने का जो दिखा, उसी को देखकर आज मैं यहाँ आया हूँ। तो आप लोगों को देखकर यहाँ बहुत अच्छा लगा और आप लोग सब यहाँ पर पधारे हैं, और इसी तरह आगे बढ़कर जो भी समाज का कोई भी प्रोग्राम हो तो उसके अंदर हम सब साथ देंगे। रही बात समाज को एक करने की, सभी ने एक ही बात बोली है कि अपन एक दूसरे की टांग खींचते हैं, क्योंकि अपना समाज बड़ा है और बड़ा होने के नाते एक भाई एक पार्टी के साथ लगता है तो दूसरा भाई दूसरे भाई को तीसरी समाज वाला उसके ऊपर रख के और उसको आगे कर देता है और उसको भाई को भाई से लड़ा देता है। उस चीज़ को और उस चाल को अपन लोग समझ नहीं पाते हैं और अपन आपसरी में लड़के और वहीं रह जाते हैं और वो तीसरे आदमी को जिता कर आगे ले जाते हैं और अपना समाज पीछे रह जाता है। जहाँ पर जाट समाज की वोटर ज़्यादा हैं, समाज ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी यही स्थिति है कि अदर कास्ट का आदमी वहाँ पर सरपंच, प्रधान और MLA बनता है और अपने समाज वाले ज़्यादा होते हुए भी वहाँ पर नहीं बन पाते हैं। तो अपने बुज़ुर्ग लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने जो मेहनत की है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपन सबको इन चीज़ों को बुलाकर एकता दिखानी होगी। और पार्टियाँ भी क्या है कि एक पार्टी जाट को टिकट देगी तो दूसरी भी जाट को ही देगी और अपन को लड़ाने की कोशिश करेगी। तो अपन को थोड़ी सी समझदारी दिखानी है कि कौन सी पार्टी का राज आने वाला है और कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है, उसको ज़्यादा समर्थन देकर उसको आगे बढ़ाएं तो समाज का प्रतिनिधित्व अपने बढ़ेगा। मैं आपको छोटा सी उदाहरण दे देता हूँ। मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, अजमेर रोड पे रामचंद्रपुरा गांव है, आप लोग कभी भी पधारें तो जयपुर के पास में ही हैं। नरसिंहपुरा पंचायत से तीसरी बार सरपंच हूँ और प्रदेश सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में भी अध्यक्ष हूँ मैं। और हमारे जो हमारे पिताजी का रिकॉर्ड भी रहा है तो वो समाज सेवा में ही रहे हैं, 15 साल के ही समाज की सेवा करने में लगे हुए थे। उन्होंने कभी राजनीति में पैर नहीं दिया, राजनीति में मेरे को ही आखिरी में लाए हैं और बाकी उन्होंने समाज की सेवा की है। इस चीज़ में तो अपन पीछे नहीं है, अपने बुजुर्ग भी नहीं थे, लेकिन उस समय क्या था, राज नहीं था अपना। हमारी दादी जी को वहाँ वो लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर अपना राज होता तो अपने को राज हासिल करने की ज़रूरत है और वो खोता जा रहा है। पहले मिर्दा जी हो, चाहे अपने यहाँ पर हरियाणा में हो, पंजाब में हो, जाट मुख्यमंत्री रहे हैं और आगे भी रहना चाहिए, लेकिन अभी पलसानिया जी और इन्होंने जो बताया कि अपना नेतृत्व संसद में नहीं है तो वो होना चाहिए, क्योंकि जब तक संसद में अपना नेतृत्व नहीं होगा तब तक अपनी बात कोई सुनने वाला नहीं है, किसान मजदूर की कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो अपन लोगों को एक मत होकर और इनकी जो भावना है उसके साथ में अपने को साथ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। राम राम सर। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ और समस्याएं तो सभी बताते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये 3-4 चीज़ें बताऊंगी जो कि हमें सुझाव या समाधान हम कुछ कर सकते हैं तब तो कुछ बात है। और मेरा नाम डॉक्टर शकुंतला सोलंकी दहिया है, मैं दिल्ली से हूँ, पालम से हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ पर भी हैं, वहीं पर अपने सभी जाट जो भी स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है उनकी 100% उनकी हेल्प कीजिए, कहीं पर भी हैं आप, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमारे जाट तो स्पोर्ट्स में भी हैं, आर्मी में भी हैं, सब जगह हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। हमारे ना कोई कलीग ऐसे कह रहे थे कि कुछ बात हो गई तो बोले कि जाके उनका सिर फोड़ दो। मैंने कहा अच्छा आप ये कह रहे हैं, मैं कहा अब जाट वो नहीं है कि सिर फोड़ेंगे, जाट अब रिफॉर्म्ड हो गए हैं, वो स्ट्रेटजी देखेंगे कि किस कि मैंने क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी से भी अपनी लड़ाई ना करें,
बल्कि स्ट्रेटेजिकली उस बात को सुधारें। तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि जितने भी IAS हैं हमारे, वो सब नेताओं को चलाते हैं, उनके अच्छे अच्छे भाषण, उनका सब कुछ, ये हमारे IAS जो हमारे जाटों के बच्चे गए हुए हैं ना, वो लिखते हैं जी। ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है पर मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो जितने नेता चल रहे हैं ना, वो उनके अच्छे अच्छे भाषण से वो खोज खोज के सारी चीज़ें लाते हैं सभी नेताओं के लिए, इवन PM सर के लिए भी, ठीक है। तो उन सब बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो एक तरह से हमारे देश को वही चला रहे हैं। और दूसरा, बस एक मिनट और, अच्छा एक ये मैं ये कहूँगी, जर्नलिज्म में, एडवोकेसी में और इसके साथ साथ एक बिजनेस में हमारे बच्चे बड़े कतराते हैं। जो डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनते हो तो ठीक है, लेकिन बिजनेस धीरे धीरे छोटा छोटा शुरू करें। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि सब लोग संगठित रहें, शिक्षित रहें और एक दूसरे की हेल्प करो। और बस लास्ट में मैं यही कहूँगी, अयम निजा परोवेति गणना च लघु चेतसानाम, अयम निजा परोवेति गणना चतुर्सानाम वसुदेव कुटुम्बकम। यही इसमें जो असली चीज़ जो वसुदेव कुटुम्बकम का है इसमें, वो मैं कहना चाह रही थी कि हमें ना अपना सब लोगों को लेके ही चलना है, लेकिन सब लोगों को लेके चलना है, एक उसको लेके चलना, पर कुछ लोगों के सामने आप ना बताएं कि हम जाट हैं, क्योंकि वो कुछ लोग चिढ़ते हैं, तो उसको थोड़ा दूसरे तरीके से टैकल करें। इसलिए वसुदेव कुटुम्ब की वो रहें, हाँ नहीं नहीं छुपाने की बात नहीं, स्ट्रेटजी है उसके पीछे। हाँ ओके, जय जाट, जय भगवान, जय भारत, जाट एकता, जिंदाबाद। थैंक यू जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।